नमस्कार, मैं गौरी और आप सभी का स्वागत करती हूं। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मक्का इस्लाम का सबसे पवित्र शहर माना जाता है, लेकिन इस पवित्र शहर में भी भीषण गर्मी का काला पहरा छाया है। हज 2024 के दौरान सऊदी अरब के मक्का में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें हैं। अधिकतर मौतों की वजह भयंकर गर्मी को बताया गया है। मरने वालों में आधे से ज्यादा वैसे लोग हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन हज के लिए गए थे। इस बार हज में मरने वाले सबसे अधिक नागरिक मिस्र के हैं। वहीं हज में लोगों की जगह जगह लाशें पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। इस मंजर ने कोरोना काल की याद दिला दी है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। दुनिया भर से लगभग 1.8 मिलियन लोगों ने, जिनमें से कई बूढ़ों और बीमार थे, दिन भर चलने वाली ज्यादातर बाहरी तीर्थ यात्रा में भाग लिया, जो इस साल ओवन जैसी सऊदी गर्मियों के दौरान आयोजित की गई थी। वहीं हीट स्ट्रोक के कारण 1081 हज यात्रियों में से 68 भारतीय मारे गए हैं। विभिन्न देशों द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, AFP द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक, इन आंकड़ों के साथ अब तक कुल मृतकों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है। हज के लिए गए अधिकतर हाजी गरीब गांवों से थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हज के लिए पैसे जोड़ने में बिता दी, ताकि वो एक दिन सऊदी अरब के मक्का में जाकर हज कर सकें। लोगों ने हज पर जाने के लिए अपने गहने बेच दिए, लेकिन मिली तो क्या, सिर्फ मौत। बता दें, सऊदी अधिकारियों ने इस बार 14 जून को हज की शुरुआत से पहले ही कह दिया था कि बिना हज परमिट के हज करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए जुर्माना लगाया जाने की बात कही थी। लेकिन हज परमिट की प्रक्रिया काफी जटिल और महंगी होती है, जिस कारण हज के इच्छुक कई लोग बिना हज परमिट के ही मक्का पहुंच गए थे। जाहिर है 2023 में 200 से अधिक तीर्थयात्रियों के मारे जाने की सूचना मिली थी, और इनमें अधिकांश इंडोनेशिया से थे। इस साल 1.83 मिलियन से अधिक लोगों ने हज किया, लेकिन भीषण गर्मी ने हज यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। हज यात्रा करने गए लोगों को कहां मालूम था कि वो जा तो रहे हैं लेकिन वापस नहीं आएंगे, वापस आए तो सिर्फ उनकी लाश। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।